मैं हजारों बच्चे की माँ हूँ, मेरे को 250 दामाद है, 50 बहू है, 350 गैया की मैं मैया हूँ, क्योंकि मेरी डिलीवरी गैया के तबेले में हुई थी, मेरे को उधर डाल दिया था, मैं बेहोश थी, ये गैया ने मेरे को बचाया बेटा, वो मेरे आंख पर खड़ी थी और पूरे गैया को हकाल रही थी, तो फिर ये गैया मेरी माँ बन गई, मैंने उसको वचन दिया था कि तू गैया होकर मैया बनी, मैं भी जिंदगी भर मैया बनूंगी, इसलिए 350 गैया है मेरे पास, दूध वाली नहीं, खटी को जो लोग बेच देते ना मरने के लिए वो मैं छोड़ा के लाती, अभी मेरे बच्चे छोड़ा के लाते हैं, 350 गैया है मेरे पास। हाँ बेटा, तब मेरे दिमाग में इतना ही आया था मर जाना चाहिए, क्योंकि रास्ता ही नहीं था ना, अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं था मेरे साथ, पेट में भूख थी, पल्लू में बच्चा था, साथ कोई नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थी, अंधेरा छा गया था, आप मरे डूब गई दुनिया, मरने के बगैर सोचे ही नहीं सोचती थी मैं, मगर फिर सोचा एक दिन क्या हो गया बेटा, मैं मरने के लिए जा रही थी, और एक भिखारी रो रहा था रात को 2 बजे, वो स्टेशन में घड़ियाल को 2 पोल पड़े, और मैं मरने के लिए उठी, बच्चे को मैंने अपने पेट में बांधा, तो ये पीछे नहीं रहना चाहिए, हम साथ मरेंगे, तो बेटा मैं जा रही थी, और वही अंधेरे में एक भिखारी जोर जोर से रो रहा था, और वो बोलता था रोते रोते, बाबा मेरे को कोई नहीं बाबा, मैं मरने वाला हूँ बाबा, मेरे को प्यास लगी बाबा, कोई है रे बाबा, मेरा कोई नहीं, मेरे को थोड़ा सा पानी पिलाए बाबा मरते समय, सोचो बेटा मैं मरने के लिए जा रहे हो, मरते समय पानी मांग रहा है, मैं बोली थोड़ा सा पुण्य करके मरे ना, मैं उसके पास गई थी, उसको मैंने उठाया उसको, और उसको पेट के बैठी मैं, और उसको मैंने बोला बाबा मेरे पास रोटी है, रोटी खा के पानी पी के मरो ना, और मैंने मेरे पास होती जो रोटी वो मैंने उसकी खिलाई, पानी भी पिलाया, और वो मरा नहीं रहे, वो मेरे को हाथ जोड़ता था, अन्न दाता सुखी भव, और मेरे ध्यान में आया कि अरे ये मरने वाला था, मैंने रोटी खिलाई पानी पिला दी, मरा नहीं, फिर मैं क्यों मरती, चलो मरने वाले के लिए जाएंगे, यहाँ से शुरुआत हो गई अंधेरे से उजाले तक। तूने नहीं छोड़ा होता तो मैं यहाँ तक आती, मेरे माँ का उन्होंने मेरे को नहीं हकाला होता तो मैं यहाँ तक आती, मैं इतनी बड़ी होती, और अब एक बात है खुशी की कि जो ससुराल ने मेरे को हकाला वो ससुराल ने मेरा सत्कार किया, मेरे सत्कार में मेरे पति रो रहे थे, वो रो रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था रे थोड़ा सा अच्छा लगा, अंदर से आवाज आई गलती कर रही सिंधु दाई, उन्होंने नहीं छोड़ा होता तो तू इतनी बड़ी होती, माफ करना शुरू, अपन माफ करते इसलिए अपने को माउली बोलते बेटा, अपन माउली है, मैंने पति को भी माफ किया, उसको भी मैंने मेरे ताबे में लिया, 5 साल मैंने मेरे पति को बोला कि तुम बच्चा बन के आओ मेरे साथ, पति बन के नहीं, पत्नी मर गई, अभी मैं माँ हूँ, और वो मेरा सबसे बड़ा खतरनाक बच्चा था रे, 5 साल मैंने उसको संभाला, अभी भगवान के घर गए, ये माँ ही कर सकते है बेटा, बेटा तुम्हारे अंदर की जो माँ है ना जिस महिला उसको जिंदा रखो बेटा, उसको मरने मत देना, वो मरे हुए मुर्दे बहुत देखते हैं अपन, अंदर का कलेजा जिंदा रखो बेटा, और ये भी सबके साथ ये ऐसा बर्बादी होगा ऐसा नहीं बेटा, हमने तो किया जिंदगी की पूरी ताकत लगाई, मगर जिसके पास कोई दुख नहीं है उन्होंने भी दुख के पास जाना चाहिए रे, बहुत सुकून मिलता है बेटा, बहुत खुशी होती है जब अपन अपना निवाला दूसरों को देता है ना, इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है रे। बेटा परिस्थिति आने के बाद महिला सबल होती है, परिस्थिति आना चाहिए, जब वो कैची में पकड़ते ना जाना, जो समाज होता है वो उसको कैची में पकड़ता है, उसको बर्बाद करता है, उसको बदनाम करता है, उसको हो सके उतनी तकलीफ देता है, मगर उससे भी सोचना चाहिए, जब वो आए तो चेहरे पे रख रखाव था कोई बात नहीं, जब वो आए तो चेहरे पे रख रखाव था, मगर वो नहीं देख सके जो मेरे दिल का घाव था, अपना घाव अपने को बेटा ताकत देता है, वही भी दिन निकल जाता है, जीना आता है अपने को, संकट आने जो उसके ऊपर पैर दे के खड़े हो जाओ, अपना अपनी जिंदगी मरने के लिए नहीं,
बेटा मरने वाले के लिए जिंदगी देने के लिए अपनी जिंदगी है, और मैंने वही किया। मेरे पास कुछ नहीं था रे, कुछ नहीं था। नहीं वो क्या है बेटा, अपन सब कुछ टाइम पे देता है, नहीं इसको इसको समझ में नहीं आता जिंदगी कैसी होती है। थोड़ा सा उसको समझ में देना चाहिए कि बेटा ये अंधेरा है ना, कल दिन निकलने वाला है, फिर भी अंधेरा हो सकता है, धूप छाव तो चलती है रे। थोड़ा वो सहन कर, सहन कर बेटा, तेरा रास्ता खुद सोच ले तू, तेरा रास्ते जो चलना सीख, वो रास्ते पर भी दगड़ तोड़ने होते, कांटे होते हैं बेटा, और इतना सोपी नहीं होती जिंदगी रे बेटा। और इसीलिए तो मैं जिंदा हूँ, उसको देने के लिए मैं जिंदा हूँ कि मैं जिंदा हूँ, तुम भी जिंदा रहो। मैं कहाँ मरी, तुम्हारे पास सब कुछ है तो भी तुम मरते, तुम्हारे पास सब कुछ है तो भी तुम रोते। अरे मैंने तो रोना छोड़ दिया, मैंने जीना सीखा है ना, तुम भी जीना सीखो। मैंने जो किया ना, तुम भी थोड़ा थोड़ा करो बेटा। जिंदगी है अपने पास, उसको संवारो, मत मरो, और के लिए जीना सीखो बेटा, तुम्हारा जीना सुखद हो जाएगा रे। मेरे को भूख नहीं लगती, मेरे को दूसरों की भूख नहीं समझती रे बेटा। मैं गरीब नहीं होती, गरीब के पास नहीं जाते रे मैं। पेट भरना ये एक बात थी, और जीना ये दूसरी बात थी बेटा। यानी तब ऐसा लगता था कि जब उसी ने मेरे कब्र पर आके मुस्कुरा दिया, पूरी जिंदगी एक तरफ और मैं एक तरफ थी। जब उसी ने मेरे कब्र पर आके मुस्कुरा दिया, बिजली चमक के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया। कफन जलने दो मगर दफन मत होना, ये समझा में मैं सोचती थी। मैं जले हुए मर्दी के ऊपर मैं रोटी भूनती थी रात को, आदमी का डर लगता था बेटा। अब तब मैं सोचती थी कोई बात नहीं सिंधु दाई, आगे की बात खुदा के हाथ, जीना सीखो। अकेले मत जो मर जाएंगे, और दुखियों के लिए जो जीना पड़ता है और जीना आता है, और वो परिस्थिति ने मेरे को खड़ा किया बेटा। वो परिस्थिति ने कोई किसका नहीं होता बेटा, आप मरे डूब गई दुनिया, कोई किसी का नहीं होता रे। इसलिए मैं जिंदा रहेंगे बेटा। जब मैंने शमशान में मुर्दों को देखा, जलते हुए देखा, और उसके ऊपर मैंने जब रोटी भुनी और खाई रे बेटा, ऐसी जिंदगी किसी के नशे में नहीं हो बेटा। और मैं रो रही थी और मुर्दा जल रहा था, और बेटा मरा मरी हुई गाय पड़ी थी, उसको गिधाड़े जो होते ना वो उसको पूरा खदेड़ रहे थे, खा रहे थे, वो गाय पड़ी हुई थी। अरे उसमें और मेरे में कोई फर्क नहीं था रे। इसलिए बेटा मैं वहां से मैं खड़े हो गए, वहां से खड़े हो गए मैं। और मैंने सोचा अरे अंधेरा तो सबके लिए है, थोड़ा उजाला ढूंढो ना, ये सोचने मेरे को याद बहुत सच करो, बहुत बहुत सच करो। ऐसा लगता था कि वो मुर्दा मेरे को बोल रहा है कि कफन को जेब नहीं होती सिंधु दाई, कफन को जेब नहीं होती, और मौत कभी रिश्वत नहीं लेती। जब तक जिंदे है तब तक जिंदा रहने वाले को और जिंदा रखो, तू भी जीना दो। वहां से मैं यहाँ तक आई है, मेरे पास सब कुछ होता तो मैं नहीं इतनी बड़ी होती बेटा। संकट आने दो, उसके ऊपर पैर रख के खड़े हो जाओ। तुम देवता हो, तुम महिला हो, तुम बेटा महालक्ष्मी हो, तुमने हारने से फायदा नहीं होगा, टोटा ही है। अरे जिंदगी जी लेते हैं अपन, बहुत ताकत दी है उसको। खुद को पहचानना सीखो बेटा, पहचानो खुद को, मैं कौन हूँ। और मैंने जीना सीख लिया, तुम भी जियो। नंदिनी नंदिता मेरी विश्व विनोदिनी नंदनु ते मेरी वरदा।